हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं जी कॉइल हीटर के कनेक्शन कैसे किए जाएँ। फ्रेंड्स, अगर आपका रोटरी स्विच ख़राब हो जाता है और आप अपने जी कॉइल हीटर के कनेक्शन करना चाहते हैं कि बिना हम रोटरी स्विच आपको नहीं मिल रहा है, तो रोटरी स्विच की जगह आप 16 एम्पियर के स्विच द्वारा इन कॉइल को, इस हीटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब ऑन करेंगे तो हमारी दोनों स्विच, दोनों कॉइल जलने लगेंगे, और जब ऑफ करेंगे दोनों कॉइल ऑफ हो जाएंगे। अगर आपको अलग अलग काम करना है ऑन, इसमें दो कॉइलें होती हैं, अगर एक कॉइल एक स्विच से ऑन करना हो और दूसरी कॉइल को, अगर दोनों कॉइल ऑन करना हो तो दो स्विच आप ऑन करें, तो वो उसका भी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन पे उसको लगा दूंगा और आई बटन पे लगा दूंगा उसके वीडियो की लिंक। तो इसका कनेक्शन बता देते हैं कि अगर आपको पूरा ही, मतलब दोनों कॉइल को एक साथ ऑन करना हो, ऑफ करना हो, तो उसके कनेक्शन कैसे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं ब्लैक वायर यूज़ कर रहा हूँ वो न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो रेड वायर यूज़ कर रहा हूँ फेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, न्यूट्रल वाले वायर को हम डायरेक्ट जहाँ पर कॉइल के दो सिरे आपस में शॉर्ट है, एक पत्ती द्वारा, कॉपर स्ट्रिप द्वारा शॉर्ट है। आप देख सकते हैं इसमें चार एंड हैं, चार में से दो तो कॉइल के टर्मिनल अलग अलग हैं और दो लास्ट वाले दो टर्मिनल, तीसरा और चौथा, आपस में एक पत्ती द्वारा शॉर्ट है। तो न्यूट्रल वायर को आपको यहीं पर कनेक्ट करना है जहाँ पर तीसरा और चौथा टर्मिनल आपस में शॉर्टिंग लगी हुई है, वहीं पर कनेक्ट कर देना है वायर से, और उसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना है बढ़िया से। फेज़ वाले वायर को 16 एम्पियर के स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके हम जो कॉइल का पहला दूसरा टर्मिनल है दोनों पे शॉर्ट कर देंगे, दोनों पे कनेक्ट कर देंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके हम कॉइल के पहला दूसरा टर्मिनल, आप देख सकते हैं जहाँ पर दोनों ही पे उस पर कनेक्शन कर दिया है। इस तरह से जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी दोनों कॉइलें ऑन हो जाएंगी, जब स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारी दोनों कॉइलें ऑफ हो जाएंगी। तो इसमें रोटरी स्विच नहीं है, डायरेक्ट हम स्विच से ऑन ऑफ करेंगे इस जी कॉइल हीटर को। इसी तरह के और भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बारे में आपको वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।